हेलो डियर बच्चों वेलकम बैक टू योर चैनल लेट लेटेस्ट लुक एट चैप्टर थ्री डिटरमाइनर्स ऑफ क्लास सिक्स स्टैंडर्ड थैंक्स ए लॉट डियर बच्चों थैंक्स ए लॉट फॉर योर अप्रिसिएशन आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पे हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट आउट है ओके okay? नाउ हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है डिटर है वॉट आर डिटरमाइनर्स तो नीचे जो रिमम्बर है इसको देखना आप दिस दर्ट दिस दो ये एंड द एटसेट्राई टी सी दे दिया यानी इसके अलावा और बहुत सारे हैं आर कॉल डिटरमाइनर्स इनको डिटरमाइनर्स कहते हैं डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन ये एक नाउन के पीछे आते हैं और ए नाउन फ्रेज डिटरमाइनर्स आर नॉट एडजेक्टि इस चीज़ को याद रखना है कि डिटरमाइनर्स जो है एडजेक्टि नहीं हैं जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे डिटरमाइनर्स में यूज़ किया जाता है इसलिए इसने यहाँ पे क्लियरली बताया कि डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स नहीं हैं लेकिन वर्ड्स जो हैं सेम सेम यूज़ होते हैं वर्कशीट वन हाउसेस बिग और स्मॉल डू नॉट मैटर वॉट मैटर्स इज़ हाउ हैप्पी यू आर इन दैम अब यहाँ पे राजू का होम है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू चिल्ड्रेन राजू हैज़ ए हाउस ऑन द मॉल मॉल के ऊपर राजू का घर है तो ये द और ए जो हैं ये क्या हैं आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स किसका काम करते हैं डिटरमाइनर्स का काम करते हैं ओके दिस हाउस इज वेरी स्मॉल ए दिस जो है ये भी डिटरमाइनर है अच्छा यहाँ पे एक हल्का सा कन्फ्यूजन होता है चिल्ड्रन अभी डिटरमाइनर में है तो अंडरलाइन द डिटरमाइनर माने हम दिस को करेंगे और यही दिस जो है एडजेक्टिव का काम करता है जब आपको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करने के लिए बोला जाए तो भी इस दिस को हम अंडरलाइन करेंगे ओके बट इट्स गार्डन इज वेरी नाइस इट्स इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर तो इसको अंडरलाइन कर लेना चिल्ड्रन ओके नीचे ऑलरेडी बोल दिया कि दिस दर्द दिस दोस्त जो हैं ये क्या हैं डिटरमाइनर्स हैं तो दिस को आपको अंडरलाइन करना है इट हैज मेनी फ्लावर बेड्स अब जैसे ये वर्ड्स हैं ना मेनी मच मोर लिटिल सम जो क्वांटिटी बता रहे हैं ये भी क्या हैं डिटरमाइनर्स हैं ओके इट हैज मेनी फ्लावर बेड्स कितने फ्लावर बेड्स हैं बहुत सारे तो ये डिटरमाइन बता रहा है ना कि ये जो नाउन है वो कितने हैं बहुत सारे हैं तो ये क्या है डिटरमाइन कर रहा है सो दिस इज़ ए

अब नो फ्लावर नो बता रहे हैं तो हम यहाँ पे नो no को क्या यूज करेंगे दिस इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर कि कोई फ्लावर वहां पे नहीं है दैट हाउस हैड लिटिल जॉय लिटिल लिटिल इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर लिटिल सम डिटर लिटिली सारे जो हैं डिटरमाइनर्स हैं दो राजू हैड मेनी मच टाइम दे डिड नॉट स्पेंड अब देखो मेनी मच इ कर दिया गया वर मेनी बट नॉट अ गुड पाल देर नहीं आएगा चिल्ड्रन मिनी आएगा ए आएगा ये गलती से मैंने अंडरलाइन कर दिया था ही नीडेड फ्रेंड्स बिग एंड स्मॉल राजू को चाहिए थे फ्रेंड्स जो बिग और स्मॉल हैं देखो बिग और स्मॉल जो है एडजेक्टिव्स हैं लेकिन हम यहाँ पे उनको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं जो चैप्टर वो है डिटरमाइनर्स का है ओके इसलिए इसने नीचे आपको बताया कि एडजेक्टिव्स कभी भी डिटरमाइनर्स नहीं होंगे डिटरमाइनर्स अलग हैं जो डिटरमाइन करते हैं वो ही डिटरमाइनरस हैं ओके उस ऑन द रेज दैट और दिटरमाइन का काम कर रहे हैं रिट अवे टू लिव इन दिस हाउस लवली एंड गे गे माने खुशी नाउस लुकेट काइंडिटरमाइनर्स आर्टिकल्स ये एंड द डिटर हैं प्रोसेसि ऑल दीज आर डिटरमाइनर्स माई यूअर हिज हर माई पेन यूअर पेन हिज पेन हर पैन इट्स पेन आवर पेन योअर पेन तो जो भी है ऐसे जो वर्ड्स हैं पोसेसिव यानी मेरा है तेरा है जो बताते हैं कि ये चीज़ किसकी है तो इनको क्या कहते हैं पोसेसि कहते हैं तो ये भी क्या हैं डिटरमाइनर्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस इनको डिमॉन्स्ट्रेटिवस कहते हैं नाउ दिस आर डिस्ट्रीब्यूटि ये क्वान्टिफाइर्यर्स हैं ये इंट्रोगेटिवस हैं तो इनको याद रखना है चिल्ड्रन आपको नाव यहाँ पर हमारे हैं डूरिंग दिस ट्रिप टू सुजानपुर लास्ट वीक मिस्टर आर्या विजटेड एन अम्यूजमेंट पार्क विथ हिस्स फैमिली अब ये पार्क जहाँ पे मिसज आर्या ने विज़िट किया था उसके बारे में है नाओ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विध डिटरमाइनर्स यहाँ पर आपको डिटरमाइनर्स को यूज़ करना है इन माई समर वेकेशन आई विजटड ए पार्क इन सुजहानपुर द दैट पार्क वॉज स्मॉल यहाँ पे द पार्क दट पार्क दोनों डिटरमाइनर्स को हम यूज कर सकते हैं चिल्ड्रेन द पार्क वॉज स्मॉल बोलो तो भी सही है दट पार्क वो पार्क जो मैंने उस टाइम पे विजिट किया था सुजहानपुर में तो वो भी यहाँ पे सही है इसलिए मैंने द और दट दोनों यहाँ पे लिखा है देर व स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन इट सीड इंजॉयड द स्विंग्स एमेंसली ही ट्राइड ईच वन ऑफ दैम यहाँ पे ईच आएगा ओके okay? क्यों हर झूले को उसने ट्राई किया था तो हम यहाँ पे ईच लिखेंगे वॉट वी लाइक बेस्ट अबाउट दैट पार्क वॉज अगर यहाँ पे दट लिखा तो यहाँ पे दट लिखना है अगर यहाँ पे दा लिखा तो यहाँ पे दा लिख लो ओके अबाउट दैट पार्क वॉज दैट इट वॉज वेरी क्लीन एंड पीसफुल निक्की वॉन्ट्स टू विजिट दैट पार्क अगेन पार्क इन नेहरा अब यहाँ पे हम कर रहे हैं लास्ट सनडे आई विजटेड ए पार्क इन नेहरा तो यहाँ पे आप लास्ट सनडे भी बोल सकते हो या फिर दिस संडे भी बोल सकते हो ओके इट वॉज वेरी बिग वो बहुत बड़ा था देर वर मेनी स्विंग्स एंड राइड्स इन इट ऑल द राइट्स वर इलेक्ट्रिक वन एंड देर वर लॉर्ड्स ऑफ फूड स्टॉल्स से

फॉर्म एज मिनी करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज यू कैन इससे काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं चिल्ड्रन मैंने सिर्फ एक एक सेंटेंस बनाया है ओके आई डिड नॉट बाई यहाँ से ले लिया आपने एन एप्पल एंड एप्पल उसी को आप लिख सकते हो आई डिड नॉट बाई एन इंक पैन आई डिड नॉट बाई ए हे ड्रायर कुछ भी आप लिख सकते हो ओके okay? मैंने जो लिखा है उसको मैं रीड कर रही हूँ ही ड्रैंक ए कप ऑफ टी कविता नीड्स अ हेयर ड्रायर यहीं पे आप लिख सकते हो कविता नीड्स एन एप्पल कविता नीड्स ए कप ऑफ टी ऐसे भी आप लिख सकते हो ओके okay? आ रहा है समझ में वी विजिटेड द रॉकी माउंटेन्स ही इज़ अ सक्सेसफुल लायर मनोज बिकेम एन इलेक्ट्रिशियन शी इज़ द वाइफ ऑफ अ फेमस बिजनेस मैन मिस्टर गणपति इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन ही हैज़ अ पेट कैट मै फॉदर राइट्स विथ एन इंक पेन अब देखो यहाँ पे आप गड़बड़ मत करना है कि मैं फॉर्दर राइट्स विध अ हेयर ड्राइर मै फादर राइट्स विथ ए कप ऑफ टी ऐसे आंसर्स मत लिखना लिखेंगे तो किससे लिखेंगे इंक पेन से ही लिखेंगे ना तो यहाँ पे तो इंक पेन ही आएगा ओके नॉन लेटस एट वर्कशीट थ्री नॉन लेटस एट ये एंड द ये एंड द जो है ये आर्टिकल्स हैं अब यह हमें मालूम है ना कि एन यूज होता है ओवल्स के पीछे यह यूज होता है कॉन्जोनेंट्स के लिए और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हुए समझा दूंगी ओके डिड यू बाई एनी थिंग यस आई बॉट ए हैट एंड ए द हैट कॉस्ट मी टेन डॉलर एंड द स्काफ ट्वेल्व वन इज वेरी इजी क्योंकि पहली बार आया है तो ए ए सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है तो दर इज अ फ्लाई ऑन हिज ओं लेट हिम ड्राइव द फ्लाई

सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है स्टैम्प तो दा को यूज़ किया देर आर सम एनवेलप्स इन द ड्रॉयर ऑफ माई ट्रेबल अब देखो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ड्रॉयर को फिर भी यहाँ पे दा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो ड्रॉयर जो मेरी टेबल में है उसमें एनवेलप्स हैं तो कोई कोई सा भी ड्रायर नहीं ना वो ड्रॉयर जो मेरी टेबल में है देर आर सम एनवेलप्स इन द ड्रॉयर ऑफ माई टेबल इसलिए यहाँ पे हमने दा को यूज़ किया किसी चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं तो हम वहाँ पे दा को यूज करेंगे ओके अब यहाँ पे देखो रिम्बर दिया हुआ है तो वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही है यहाँ पे और लेट अस लुक एट वर्कशीट फोर डी ए वी पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन इन द स्कूल तो यहाँ पे जो एग्जीबीशन है उसमें ये सारे डिस्प्ले हुए हैं तो इसमें यहाँ पे आपको बोला है कि डिटरमाइनर यूज करना है दिस दिस दो अच्छा एक चीज क्लियर कर दूँ चिल्ड्रेन जो चीज़ पास में है और एक है तो हम दिस बोलेंगे जो दूर है और एक है तो दट बोलेंगे अगर बहुत सारे हैं पास में हैं तो दिस बोलेंगे अगर प्लूरल है यानी बहुत सारे हैं और दूर है तो दोस बोलेंगे तो ये तो आपको याद रखना है ओके नाउ दिस इज़ माधुरीस कैलकुलेटर तो ये पास में है दिस कैलकुलेटर इज़ माधुरीस ये प्रोसेस्यू बता रहा है दिस कैलकुलेटर इज़ माधुरीज तो बस ऐसे ही लिखना है दिस वन इज़ वेरी इजी दैट इज अरुणिमास बॉक्स दैट बॉक्स इज अरुणिमास यहाँ गलती से इस लिखा है मैंने काट दिया है चिल्ड्रन दैट बॉक्स इज अरुनिमास दिस आर रोहंस बुक्स बुक्स है ना प्लूरल है तो दिस यूज़ किया है दिस बुक्स आर रोहंस ओके दिस आर सृष्टिज चार्टीज चार्ट आर सृष्टि दोलोनीस स्केच पेन्स दोन आप खुद कर लेनाज माधवस पेंट बॉक्स दट पेंट बॉक्स इज माधव ओके अच्छा चिल्ड्रेन इस एक्सरसाइज की मीनिंग क्या है कि क्यों दिया आपको समझाने के लिए कि जैसे देखो यहाँ पे दो सार सलोनी स्केच अब ये दोस है ना यहाँ पे ये यह प्रोनाउन का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है प्रोनाउन का काम कर रहा है, का है यहाँ पे दो जैसे इसके आगे नाउन आ गया दो स्केच पेन तो यहाँ पे अब ये दोस डिटरमाइनर का काम कर रहा है ओके अब यहाँ पे सेम थिंग है दट इज माधव पेंट बॉक्स दट अकेला है दट इज माधव पेंट बॉक्स अब यहाँ पे आ गया दैट पेंट बॉक्स दैट के बाद इमीडिएटली नाउन आ गया नाउन आ गया पेंट बॉक्स एक नाउन है कॉमन नाउन है जैसे ही नाउन आ गया तो यहाँ पे दैट क्या बन गया? Determiner बन गया गया डिटरमाइनर यहाँ पे क्या था प्रोनाउन था ओके okay? तो ये चीज आपको जो ऑथर है ना उसको आपको ये चीज समझानी थी ओके okay? यहाँ पे वही रिमेंबर इसने दिया हुआ है नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट फाइव सीधे मैं एक्सरसाइज पे आ रही हूँ चिल्ड्रन जहां से वर्किंग है वहां पे आ रही हूँ तो ये और एन को क्या कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है द है ओके काउंटेबल नाउन यूज इन दिंगर टेक्स ये और एन बिफोर इट जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं जैसे सोप soap, सोप्स जिनके पीछे एस लगता है ना उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं जैसे सोप सोप्स पेन पेंस पेंसिल पेंसिल्स ये सारे क्या हैं काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल कौन से हैं जैसे हेयर एच ए आई आर तो पीछे हम कभी एस नहीं लगाते ना हेअर्स कभी नहीं बोलते हैं शुगर शुगर्स कभी नहीं बोलते हैं सॉल्ट सॉल्ट नहीं बोलते हैं राइस राइसस कभी नहीं बोलते हैं तो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे यस नहीं लगता है उनको अनकाउंटेबल्स कहते हैं ओके तो अनकाउंटेबल नाउंस कभी भी अपने साथ ये और एन को नहीं लेते हैं इस चीज़ को याद रखना है चाहिए तो अंडरलाइन कर लेना एन अनकाउंटेबल नाउन केन नॉट टेक ये और एन बिफोर इट कभी भी उनके आगे ये और एन नहीं लगता है अनकाउंटेबल के क्यों ये और एन का मतलब एक होता है लेट अस लुक एट द एक्सरसाइज वॉट कार्ड ये आएगा इन plate. यहाँ पे द आएगा यहाँ पे ये और एन को कभी भी हम यूज नहीं करेंगे मै has अ पेट डॉग एक dog है ऑल द ये प्लूरल है चिल्ड्रन प्लूरल के आगे कभी भी ये और एन नहीं आएंगे ओके okay? ऑल द ऑफिस इन दिटी वर् क्लोज टूडे ऑल के बाद द आएगा इनके बाद द आएगा तो यहाँ पे दिखा हुआ दुक चिल्ड्रेन ये गलती से यहाँ पे दहले लिखा हुआ, one. One, book, पे दा, पे पहले हुआ था सॉरी रॉन्ग है बुक उस बुक के फाइव पेजेस टोर किए टोर माने फॉरना पास में दिया हुआ है टेर टेर का पास द बुक इन द एग्जामिनेशन यहाँ पे द आएगा शी गिव मी एन एग एन स्वीट्स तो एन आएगा ये सारे क्या है डिटरमाइनर्स हैं तो क्या ये आर्टिकल्स हैं हाँ आर्टिकल्स हैं आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स कहते हैं हाँ आर्टिकल्स को क्या कहते हैं डिटरमाइनर्स कहते हैं तो गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स चिल्ड्रन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ओके डू इट योर सेल्फ है करण ने एक लेटर लिखा है तो इसने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स छोड़ दिए हैं तो हमें उनको फिल करना है फर्स्ट टेल मी कि ये कौन सा लेटर है चिल्ड्रन करण ने किसको लिखा है डियर प्रफुल यानी फ्रेंड को लिखा है तो ये कौन सा है फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है फ्रेंड्स को लिखते हैं वो है इनफॉर्मल तो चेन्नई में रहता है कौन करण जहाँ पे हम रहते हैं वही एड्रेस हम सबसे ऊपर लिखेंगे ऊपर जो आएगा उसको फ्रॉम एड्रेस कहेंगे डेट सेल्यूटेशन ओके नाउ अब स्टार्ट किया यहाँ से लिटर आई स्पेंट माई समर वेकेशन ऑन एन आईलैंड आई से स्टार्ट हुआ तो ऑन आ गया वन डे आई वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक लंबा वॉक तो ए एक लंबे वॉक पे द सन वॉज ब्राइट द डे सन एक है तो द आएगा जो भी यूनिवर्स में एक है उनके आगे द आएगा जैसे द सन द मून द अर्थ ओके आई वॉकड बियॉन्ड द स्मॉल कॉटेज अब यहाँ पे द क्यों आया वो कॉटेज जो जिसके बियॉन्ड मैं वॉक किया तो यहाँ पे वो कॉटेज स्मॉल कॉटेज जिसके बियॉन्ड मैंने वॉक किया तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर कर रहे हैं किसको द स्मॉल कॉटेज को ओके टिल आई रीचड द सी शोर तो यहाँ पर भी हम सी शोर को पर्टिकुलर कर रहे हैं जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं हम तो उसके पहले हम दा को यूज़ करते हैं देर आई सा ए सैंड कैसल अब यहाँ पे ए क्यों यूज़ हुआ वहाँ पर मैंने एक सैंड कैजिल देखा तो एक बता रहे हैं ना कि एक सैंड कैजिल देखा कोई सा भी सैंड कैजिल तो यहाँ पे ए आई वनडर्ड वेदर ए चाइल्ड और एन अडल्ट मेड इट एक बच्चे ने या एक बड़े ने किसने बनाया होगा आई वंडर्ड मैं ताजुब हुआ आई पीपड थ्रू एन ओपनिंग इन द कैसल जो ओपनिंग था कैसल में उसमें से मैंने झाँक के देखा सेकेंड टाइम यूज हो रहा है कैसल तो यूज किया एंड एन ओल्ड कॉइन लाइंग ओल्ड कॉइन तो यहाँ पे एक का मतलब है तो एन को यूज किया आई थाट द कॉइन सेकेंड टाइम कॉइन रिपीट हो रही है तो दा को यूज़ किया बिलोंग टू द मुग़ल पीरियड तो अब फर्स्ट टाइम आया मुग़ल पीरियड लेकिन हमने दा को क्यों यूज़ किया यहाँ पे ए मुग़ल पीरियड नहीं बोलेंगे चिल्ड्रन क्योंकि कोई भी मुग़ल पीरियड नहीं है यहाँ पर मुग़ल पीरियड एक पर्टिकुलर है तो एक ही है मुग़ल पीरियड तो इसलिए हम यहाँ पर दा को यूज़ करेंगे आई पुट द काइन इन माई पर्स कॉइन वापस रिपीट हो रहा है तो दोन अ ह्यूज वेव एक बड़ी सी वेव तो यहाँ पे एंड डिस्ट्रॉयड द कैसल अब यहाँ पे द आएगा ओके आई थिंक ये बहुत इजी था आपको समझ में आ गया लेट अस लुक एट यहाँ पे जो है ना पिक्चर उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इसने कहा कि सारे पिक्चर्स में पीपल जो हैं अनहैप्पी हैं तो आपको करेक्ट सेंटेंसेस बना के यहाँ पे लिखने हैं रीज़न लिखना है उनके अनहैप्पीनेस का ओके okay? नाउ फर्स्ट वन ये देखो दिस इज द पिक्चर व्हाट्स रॉन्ग विद दिस जैकेट क्या खराबी है इस जैकेट में अगर मम्मी ने पहना दिया ऐसी कोई जैकेट अगर पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस जैकेट तो क्या बोलोगे आप मम्मी इट्स टू बिग फॉर मी देखोग कितनी बड़ी है मेरे लिए यही बोलोगी ना नाउ सेकेंड वन वाई कॉन्ट शी गेट दिस बुक्स इसको क्यों नहीं मिल रहे हैं ये बुक्स दे आर प्लेसड टू हाई ये काफ़ी ऊपर रखे हुए हैं इज ही गोइंग टू बाई द टेलीविजन अब देखो इसके तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे प्राइस को देख के तो अब क्या इज ही गोइंग टू वाई क्या वो लेगा नो इट्स टू एक्सपेंसिव नहीं लेगा क्यों उसके लिए वो बहुत ही महंगी है वाई डजेंट ही लाइक दिस वेदर इसको क्यों नहीं पसंद आ रहा है वेदर इतने पसीने छूट रहे हैं फैन लेके हिला रहा है तो फिर कैसे पसंद आएगा इट्स टू हॉट ये पिक्चर में तो ये लड़की लग रही है बट यहाँ पे ही को यूज़ किया है ओके okay? नाउ लुक चिल्ड्रन ये सारे मैंने यहाँ से लिए हैं ओके okay? तो ये जो है ना दिस दिस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव है क्यों अंडरलाइन किए हमने क्योंकि यहाँ पे इसने बोला हुआ है नाउ अंडरलाइन द डेमोस्ट्रेटिव यूज इन द क्वेश्चन अबाउट इसलिए मैंने यहाँ पे इनको अंडरलाइन किया है ओके नाओ लेटे नंबर थ्री आर्टिकल्स यूज करना है सारे डिटर आर्टिकल्स ही दे दिए इसने देर वॉज एन ओल्ड मैन फ्राम कोचिन कोई एक ओल्ड मैन था तो एन को बोल दिया कोई भी ओल्ड मैन था तो एन ही हैड ए लेग मेड ऑफ टिन तो उसका एक पैर टिन का था वेन यूवेंट फॉर ए वॉक जब भी वो वॉक के लिए जाता है यू जस्ट वॉक तो आप उससे बात नहीं कर सकते वॉज द लेग मेड अ टेरेबल डिन यहाँ पे द लेग को सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं तो द अटेरेबल डिन टेरेबल डिन का मतलब क्या चिल्ड्रन कि बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करना वो लेग जो इतनी तेज़ आवाज़ करता है क्योंकि वो किससे बना हुआ था टिन से बना हुआ था तो इतना शोर करता है कि आप यू जस्ट कुडेंट टॉक आप कुछ भी नहीं बात कर सकते उसके ना उसी इसकी राइमिंग देखो कितनी अच्छी है टिन डिन वॉक टॉक ओके okay, ऐसे ही पोएम्स बनाते हैं Now let us look at B part. There were three young men from Dehradun. They flew round the world in a balloon. ंग देखो देहरादून बैलून इन अ बेलून एक बेलून में द बेलून स्टार्टेड टू फॉलो ओवर सेकेंड टाइम यूज़ हुआ द ग्रेट ग्रेट चाइना वॉल एक ही है तो द यूज करेंगे द अनलक्की थ्री मैन हू ग्रू वेरी फ्राइट एंड टाइट दम्सल्स विथ अ रोप एक रस्सी तो यहाँ पे ए रोप दिस दे डिड विथ अ होपो इन्होंने अपना पूरा होप के साथ उन्होंने टय किया दट लीव और डिपार्ट दे वुड नॉट पार्ट अगर जिंदा भी रहे या एक दूसरे को छोड़ के चले गए यानी मर भी गए दे वुड नॉट पार्ट वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे होप के साथ उन्होंने एक रोप से अपने आप को टाई कर लिया सो थॉट द थ्री मैन फ्रॉम देहरादून ये उनका थॉट था ओके दिस इज ऑल्सो वेरी फनी हम नाउ निक्की रोट द फॉलोइंग लेटर टू हर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं निक्क् ने जो लेटर लिखा उसमें मिस्टेक्स हैं हमें उन मिस्टेक्स को सही करना है डियर अंकल थैंक्स अ लॉट बोलेंगे ना द लॉट नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे ए आ गया फॉर द वंडरफुल गिफ्ट द पॉट विद द टाइनी सैपलिंग यू हैव सेंट इज द बेस्ट गिफ्ट तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आएगा द आएगा इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ क्या आएगा द आएगा द पॉट विद द टाइन इज हेपलिंग दैट यू हैव सेंट इज़ द बेस्ट गिफ्ट जब भी सुपर लिटी डिग्री यूज करते हैं ना थर्ड फॉर्म तो ये द बेस्ट बेस्ट के आगे हमेशा दा यूज़ होता है चिल्ड्रन ओके द मोस्ट ब्यूटिफुल द बेस्ट ए थर्ड फॉर्म होता है एडजटिव का तो इसके आगे हमेशा दा यूज़ होता है ये एक रूल है दा का इसको याद करना है आपको दट आई हैव एवर रिसीड आई हैव केप्टन अ लिटिल स्टूल अब यहाँ पे दा नहीं आएगा अ लिटिल स्टूल नियर द विंडो कहाँ पे रखा एक लिटिल स्टूल पे आई हैव केप्ट इट ऑन ए लिटिल स्टूल मैंने एक लिटिल स्टूल पे रखा उसको कहाँ पे विंडो के पास में नियर द विंडो घर में जो विंडो है ना वो विंडो इसलिए पर्टिकुलर हो गया विंडो यहाँ पे आई वॉटर इट एवरीडे ऑलरेडी अ लिटिल लिव एंड लिटिल नहीं बोलेंगे ना लिटिल एल से स्टार्ट हुआ है कॉन्जोनेंट साउंड है तो आएगा अ has sprouted. Sprouted माने निकल के आना From its tender स्टेम द साइट ऑफ दट लीफ फिल्स me विद जॉय द sight बोलेंगे अ साइट नहीं बोलेंगे अ साइट माने कोई भी साइट अब यहाँ पे कौ सी साइट मैंशन कर रहे हैं कि वो जब वो लीफ को देखते हैं हम तो वो जो साइट है देखने का जो वो एन्जॉयमेंट है उसको मैंशन कर रहे हैं द सइट ऑन द ट लीव फिल्स मे विद जॉय देर इज़ एन ईगर वेट फॉर मोर लीव्स एन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ईगर है ई से स्टार्ट हो रहा है ना इसलिए यहाँ पे एन आएगा देर इज एन ईगर वेट फॉर मोर लीव्स थैंक्स अ लॉट कभी भी थैंक्स दो लॉट नहीं कहते ना चिल्ड्रन थैंक्स ए लॉट कहते हैं ओके okay? तो ए आ गया ओके okay? नॉ लेटेस्ट लुक एट फोर्थ वन हियर इज एन इंटरेस्टिंग गेम फॉर यू ट्यूब प्ले इसको मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अपने आप खेलना चिल्ड्रन सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्रॉस ऑल द प्लानट्स इसमें जितने प्लानेट्स हैं नीचे उन सबको क्रॉस करना है क्रॉस ऑल द डेमानस्ट्रेटिव दिस दैट दिस दो जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव हैं उनको क्रॉस करना है फिर क्रॉस ऑल द वर्ड्स दट राइम विथ ब्लो ब्लो साउंड जो है उसके साथ जितने राइम कर रहे हैं उन सबको आपको क्रॉस करना है जैसे ग्लो ग्लो के साथ क्या है ग्लो है स्लो है इन सब को क्रॉस करना है जब इसने जो जो बोला ना आपने अगर इन सब को क्रॉस किया लिख रहे जैसे यू बचता है फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन में आर बचता है देन यू आर देन थर्ड लाइन में क्लवर बचता है देन फोर्थ लाइन में स्मार्ट बचता है देन फिफ्थ लाइन में इंटेलिजेंट बचता है देन सिक्स्थ लाइन में कीप बचता है देन लास्ट लाइन में इट और

फिलिंग द ब्लैं विध सुबल डिटरमाइनर दन डन फॉर यू ये सारे आर्टिकल्स के अलावा दूसरे डिटरमाइनर पे आए हैं तो यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा बताने का मौका मिल रहा है कि सम मोर ये मच मैनी ये भी डिटरमाइनर्स है इसने पूरे चैप्टर में आर्टिकल्स ले ली है तो आपको ये भी समझना है कि जो इसे वर्ड्स है ना सम मेनी मोर लेस ईच एवरी ये सारे डिटरमाइनर्स कहते हैं ओके मे आई हैव सम मोर मिल्क फेबर हैज लेस डेज देन मार्च शी हैज मोर फ्रेंड्स देन आई अब यहाँ पे देखो आप लेस डेज की जगह क्या मोर डेज लिख सकते हो नहीं तो मीन जो है सेट होनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे लिखना है एट द एंड ऑफ द रोड यू विल फाइंड अ न्यूली इनागरेटेड बुक स्टोर अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ द रोड यू विल फाइंड अ न्यूली इनागरेटेड बुक स्टोर कैन यू टेल मी द शॉर्टेस्ट रूट टू द एयरपोर्ट अब कैन यू टेल मी ये नहीं आएगा वॉट इज़ द रीज़न देखो ये थर्ड फॉर्म है ना ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इनके थ्री फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली शॉर्ट शॉर्टर शॉर्ट टेस्ट जब भी ई एस टी वाला फॉर्म आता है उसके पीछे हमेशा द यूज़ होता है ओके शी ईस एन एस्ट्रोनॉट एक एस्ट्रोनॉट ए से स्टार्ट हुआ तो एन को यूज़ किया कश्मीर हैज़ द फाइनेस्ट सीनरी इन द वर्ल्ड ई एस टी आया ई एस टी वाला फाइन फाइनर फाइनेस्ट तीन फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव्स के तो ये सुपरलेटिव का फाइनेस्ट है तो हमने यहाँ पे दा को यूज़ किया आई एम फीलिंग मच बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसन तो यहाँ पे मच आएगा क्या हम यहाँ पे लेस मोर मैनी यूज़ कर सकते हैं नहीं आई एम फीलिंग मच बेटर यहाँ पे ज़्यादा सही है द बॉक्स वे नॉट मोर देन वन किलोग्राम अब द बॉक्स वे इज नॉट लेस देन वन किलोग्राम बोल सकते हैं हाँ बोल सकते हो आप ओके यहाँ पे मोर की जगह पे आप लेस को भी लिख सकते हो मार्च हैज मोर डेज देन अप्रैल तो मार्च में ज्यादा डेज है ना तो यहाँ पे तो मोर ही सूटेबल होगा हम मिनी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्योंकि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो मोर को यूज़ करते हो ओके आई होप कि दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन यही यही आर्टिकल जो है आपको सेवन्थ स्टैंडर्ड में और डी पाएगा मेरा ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड है सेवन स्टैंडर्ड के लिए बल्कि मैं चैप्टर फोर भी अपलोड करूंगी गिव यूर वैल्यूएबल लाइक्स subscribe to टू channel. Do share this video with your friends. Thanks for being with us.